Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 2, continuation of second chapter, electric potential and capacitance. Today we are going to start with the relation between electric potential and electric field. Last time I discussed one concept, so just I'll revise that one. It is actually linked to that one, but what is the true meaning that we need to find out. Electric field is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. What's the formula for potential? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. Then we divided. We broke this particular part. 1 upon 4 pi epsilon naught, we wrote it as q upon r into 1 upon r, where this particular point turned into what? V. So it was V upon r. So you can use this formula to show the relation between electric field and potential, but this is just for the numerical point of view. But what's the actual meaning? Because certain places you need to take the convention and all. So for that one, we have to use this derivation. So this derivation will give you the true relation or the actual relation between E and V with the proper sign convention and all. Okay. But this is a general term for solving numerical and all. You can use this term also. Aap isko bhi use kar sakte ho. E is equal to V upon R को भी आप use कर सकते हो, but actual formula क्या है? आज हमें वो derive करना। यहाँ पे question है, is it possible electric field at any point is zero, but electric potential is not zero? Explain. So हमारा target है इस question का answer obtain करने का, ठीक है? तो जब हम ये derive करेंगे, इसके बाद एक और derivation करेंगे, then we will be able to find out answer for this question, ठीक है? So पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हमने पहले discuss किया हुआ है. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कॉमन हैं जो हमने पहले किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, ये उसी से रिलेटेड है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा सोर्स चार्ज, ये हमारा टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. फाइंड दिस द डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग ऑन राइट हैंड साइड. एंड हाउ डू वी गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप पॉइंट चार्ज रखते हो कहीं पे, और वो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक दिस मेन चार्ज की वजह से कौन से डायरेक्शन में मूव करता है? वो होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अंडरस्टूड? सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? सेम होता है. ओके, सो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. And how do we write to that one? We write F is equal to what? Q naught into E. It's actually on right hand side. But हमें क्या करना है? हमें charge को move करना है, because we are finding potential. Relation between electric field and potential. तो हमें potential के बारे में understand करना, तो हम potential difference generate करेंगे कैसे? By moving charge. तो अब charge को A से point B तक move करते हो, तो अब charge आपका यहाँ पे आ जाता है. So when you are moving charge from A to B, आप imagine करो कोई distance. तो जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस जो ट्रेवल हो गया यहाँ पे वो हो गया डी आर वेक्टर, ठीक है? और ये जो वैल्यू है आपको किसकी वजह से मिल रहा है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, ये है जो आपने वैल्यू निकाला है, ये है एफ एक्सटर्नल फोर्स. जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज को राइट साइड में मूव करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और एक्सटर्नल फोर्स को लेफ्ट साइड में. एक्सटर्नल फोर्स एक्जैक्टली इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा जीरो. तो ये क्या होगा? स्लो मोशन, मीन्स इट विल मूव स्लोली एंड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये हमने पहले भी किया हुआ है, अगेन वी आर डूइंग द सेम कॉन्सेप्ट बट थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसमें. अब ना आप इमेजिन करो जो पॉइंट ए पे पोटेंशियल है, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है उसको हमने ले लिया है वी. एंड वॉट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी? जो बी पे पोटेंशियल, एज फार वी अंडरस्टैंड ना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गेन होगा. तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा जैसे आप सोर्स चार्ज की तरफ जा रहे हो. तो इसका पोटेंशियल पहले ए पे वी था, अब अगर इस साइड में आ गया है तो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल विल गेट एडेड. सो बी पे जो पोटेंशियल है ये क्या होगा? वी प्लस डीवी. बी पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? वी प्लस डीवी. सो यू कैन सी दिस पोटेंशियल इज लेस एंड दिस पोटेंशियल इज लिटिल मोर, ठीक है? अब क्या करना? अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना? वर्क डन निकालना. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस.
यहां पे वर्क डन किसके टर्म में है, टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो पोटेंशियल क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल ए पे है, फाइनल बी पे है, तो ये होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी टू विच चार्ज टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वीबी का और वीए का वैल्यू पुट कर देते हैं। वीबी का वैल्यू क्या है हमारे पास, वीबी का वैल्यू है वी प्लस डीवी माइनस इसकी वजह से, और वीए का वैल्यू क्या है, वी है इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। सो यहां पे वीबी कैंसिल हो गया, तो अब अगर आप वर्क डन को अरेंज करते हो तो देयरफॉर वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटेन एज क्यू नॉट इन टू डी वी, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो सेकेंड पॉइंट है वो किससे रिलेटेड होगा, दैट विल बी अगेन वर्क डन, बट आपको वर्क डन कैसे निकालना, तो यहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं वर्क डन डीडब्ल्यू। अब डीडब्ल्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू, तो इट इज अ वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है राइट साइड में, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में जब डिस्प्लेसमेंट डी आर होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ इंटू डी आर कॉस, तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगा, यहां पे थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, बिकॉज एफ एंड डी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हमने ना पिछले लेक्चर में डेरिवेशन के टाइम पे यूज किया था, जब हमने डिराइव किया था पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था, उस टाइम पे हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, यहां पे dr की जगह पे dx था। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, cos 180, cos 180 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा f इंटू ये dr होगा, cos 180 की वैल्यू माइनस होगी, तो फाइनली आ गया माइनस f इंटू dr। मैंने यहां पे काफी एक्सटेंशन कर दिया, आपको इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जा रहा था, इसके उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे उसकी वजह से आपको माइनस साइन मिल गया, और बट एफ का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो है क्यू नॉट इनटू कैपिटल ई, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव ऑन दैट। अब हम उस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, तो देयरफॉर द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी कैन बी रिटन एज माइनस क्यू नॉट कैपिटल ई इंटू वॉट डी आर, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर टू। अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन वन और टू को रिलेट कर लो, because this work done to move charge from A to B, this is also work done to move charge from A to B. So from equation 1 and 2, what do we get? From equation 1 and 2, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, 1 and 2 से क्या हो गया, 1 से हमें क्या मिला, ये हो गया Q naught into dV is equal to minus Q naught into E into dr, यहाँ पे क्या होगा, Q naught cancel हो गया, अगर हम इसको arrange करोगे तो capital E, या यहाँ पे देखो ये dv by dr को हमने यहां ले लिया इज इक्वल टू माइनस ई, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv by dr। अगर आपको याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग में ही डेरिवेशन रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन r, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या हो गया, माइनस dv by dr, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आई होप मैं यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रहा है, तो अब B पे जो पोटेंशियल ज्यादा है, A पे पोटेंशियल कम होगा, एज यू आर अवे फ्रॉम द चार्ज सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, माइनस साइन। यहां पे माइनस साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इन द डायरेक्शन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे बढ़ता जाता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग माइनस साइन। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, आई होप यू अंडरस्टूड, यहां पे माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, कब और कैसे होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, कंडक्टिंग शेल आप कंसीडर करो,
चलेगा या बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो मैं स्फीयर के टर्म में ले रहा हूं हॉलो स्फीयर। सो ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब इसमें तीन पॉइंट्स हैं, कहां पे, पहला है, चलो ठीक है ले लेते हैं, हमने ले लिया आउटसाइड, आउटसाइड। सेकेंड हो गया एट दी सरफेस और थर्ड हो गया इनसाइड। ठीक है, सो अब अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कि आपको क्या लेना है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लेते हो, चलो ठीक है ये चार्ज स्फीयर हो गया विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ले लिया। अब आपको क्या करना है, थ्री पोजिशन आप डिसाइड कर लो, तो ये सेंटर हो गया, मान लो जो इसका रेडियस का वैल्यू वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दैट विल बी बेटर, रेडियस विल बी कैपिटल आर। अब जो हमने तीन पॉइंट डिसाइड किए हैं, सो ये आउटसाइड हो गया, तो जो आउटसाइड का वैल्यू उसको मैं एक्स ले रहा हूं, एक्स क्यों ले रहा हूं उसके पीछे रीजन है, आप स्मॉल आर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप स्मॉल आर भी ले लोगे, बट मैं अभी आउटसाइड के लिए एक्स ले रहा हूं। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट ए आउटसाइड, हमने ले लिया यहां पे पॉइंट बी, और पॉइंट सी आप इनसाइड कहीं पे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट सी यहां पे ले लिया, या मैं इफ आई वांट टू टेक आई कैन टेक, अच्छा पॉइंट सी और पॉइंट डी मैं दोनों ले लेता हूं। ठीक है, पॉइंट सी भी इनसाइड है, पॉइंट डी भी इनसाइड है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो रूल बहुत सिंपल सा है कि ये जो उसके ऊपर चार्ज स्टोर्ड है उसकी वैल्यू कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो अब अगर मैं पहला पॉइंट है, तो ये जो पूरा स्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये हो गया चार्ज, लेकिन इसका जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो उसे सेंटर से मेजर करोगे, तो पोटेंशियल आउटसाइड जो पहला पार्ट है कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, 1/4π, ये डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लेना है, बस अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ये। ठीक है, इसमें वैसा नहीं कि आपको डिराइव करना है या कुछ करना, ये 1/4π हो गया, चार्ज का वैल्यू कैपिटल क्यू हो गया और डिस्टेंस हो गया एक्स, तो ये स्फीयर की वजह से पॉइंट ए पे जो चार्ज होगा या जो पोटेंशियल होगा वो 1/4π q/x, ये आउटसाइड होगा। ठीक है, या आपको लिखना है आउटसाइड या वी, वो लिख दिया तो आप समझ आओगे। सेकेंड पॉइंट, मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल कहां पे, एट द सरफेस, सरफेस का भी 1/4π ε0 हो गया, चार्ज का वैल्यू कैपिटल क्यू हो गया, सरफेस पे सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है ना, रेडियस ना, तो वो वैल्यू मिल गया। अब हमें डिसाइड करना है इनसाइड का, तो इनसाइड वाले पार्ट के लिए एक छोटा सा कंडीशन है, अब ये पार्ट का भी आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड वाले पार्ट से, कि इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, एक्सप्लेन। तो एक चीज आपको समझना है कि जैसे हमने ना इंटीग्रेशन में किया था कि अगर ये वाई रेज टू एन है और यहां पे ये डीएक्स है, तो मतलब कि अगर मुझे इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और यहां पे कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, तो मैं क्या करता हूं कॉन्स्टेंट वैल्यूज को आउटसाइड ले लेता हूं और इंटीग्रेट करता हूं डीएक्स को, फाइनली में क्या मिलता है वाई रेज टू एन इंटू वॉट एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन। बट डेरिवेटिव जब हम लेते हैं ना, डेरिवेटिव मान लो कि ये डी बाई डी एक्स है, ठीक है, और मैंने यहां पर लिया है वाई, सिर्फ वाई ले लिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, वाई, क्योंकि वाई यहां पे क्या है, कॉन्स्टेंट, ये डेरिवेटिव की बात है और ये इंटीग्रेशन की है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेरिवेटिव में जीरो क्या, इंटीग्रेशन में क्यों नहीं हो रहा है, तो ये दो अलग चीजें हैं। तो यहां पर अगर कॉन्स्टेंट का आपने डेरिवेटिव लिया तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज का आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने लिया, तो मतलब ना आप एक्स की वैल्यू को वेरी करोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये होता, मतलब इफ आई विल चेंज वैल्यू ऑफ एक्स देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन वाई, क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, डेरिवेटिव ऐसा बता। तो किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर आप लेते हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो जो विद रिस्पेक्ट टू है उस क्वांटिटी को आप कितना भी चेंज करो, जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डेरिवेटिव किसका जीरो होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं, तो जैसा कि हमने अब तक समझाया, आपको बताया सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन ई इज इक्वल टू डीवी बाय डी आर। ठीक है, तो ये डीवी क्या है, पोटेंशियल होगा, डी आर क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस,
मतलब इनसाइड के लिए मैं ले रहा हूं यहां पे ना, ये कहीं कहीं पे पॉइंट पे ये 1 सेंटीमीटर 2 3 4 कोई भी डिस्टेंस ले रहा हूं। तो अब यहां बताओगे ये हो गया, आपको ये पता है। फिर एक और से देखते हो, सिंस E इज इक्वल टू 0 कहां पे, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज, इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये हमने चैप्टर 1 में किया है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो कोई अगर स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो उस वजह से अगर आप यहां कंसिडर करते हो तो ये जो इक्वेशन 1 है, तो यहां पे लिखोगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होगा, ये जीरो हो गया, एक होगा माइनस डीवी बाय डी आर, माइनस साइन किधर आएगा वो भी जीरो, तो आपको मिलता है डीवी बाय डी आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वी को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आर, बट वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, वी का वैल्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। फिर आप लिखोगे देयरफॉर वी डजंट चेंज, डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन स्मॉल आर। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां तक अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल है ओनली टिल दैट कंडीशन जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो स्फीयर के अंदर तक ही वी का वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, आप आर की वैल्यू को कितना भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो किससे इक्वल होगा, तो अब जो इनसाइड मिल रहा है ना आपको पोटेंशियल, तो पोटेंशियल विच इज इनसाइड विल बी वॉट, पोटेंशियल विच इज एट द सरफेस, तो वैल्यू क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आप क्या कर सकते हो, जो पोटेंशियल आपको सी पे मिलेगा, जो पोटेंशियल आपको डी पे मिलेगा, जो पोटेंशियल आपको बी पे मिलेगा, वो सारे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ये सरफेस का पोटेंशियल है, इनसाइड का पोटेंशियल, इनसाइड का पोटेंशियल है, ऑल पोटेंशियल विल बी सेम। सो फ्रॉम दिस सरफेस टिल दिस सेंटर पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का सेम रहेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज जीरो, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो है, बट यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, मतलब वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट होगा, वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन है तो आपको आंसर में लिखना है येस, यहां पर बस इतना ही मॉडिफिकेशन होगा, यहां पे ऐसे लिखना है, फिर ये पूरा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर न्यूमेरिकल पे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है कैसे करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको सरफेस का पोटेंशियल पता है तो अंदर आप कहीं पे भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो स्फीयर का अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/4 pi epsilon naught जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो लेना है, अपॉन द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। अब हमने ले लिया यहां पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज के लिए क्वेश्चन यू कैन सी ऑन राइट हैंड साइड। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बेस्ड है ना इस कॉन्सेप्ट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन आर, ये समझ जाओगे ठीक है, बट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपने को आइडिया मिलेगा कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है या नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू किप्ट एट पॉइंट ए इज, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी पे बोल रहा है, किसकी वजह से, एक चार्ज है जो पॉइंट ए पे है, ड्यू टू अ चार्ज किप्ट एट पॉइंट ए इज 24 newton per coulomb। सो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 24 newton per coulomb है, किसकी वजह से, जब चार्ज यहां पे होगा, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या है, 24 newton per coulomb। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू सेम चार्ज इज 12 joule per coulomb। अब इस सेम चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है 12 joule per coulomb। सो अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस ए बी है इसको कैलकुलेट करना है, प्लस आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इनके बीच का रिलेशन निकालना है तो एक जो वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये डिस्टेंस इसको ए बी ले लो या आर ले लो, तो यहां पर जो ए बी की वैल्यू है वही आर है, ठीक है। सो अगर इन्होंने
आ गया उस, हाँ ठीक है. सॉरी क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, हाँ सॉरी कैलकुलेट द डिस्टेंस ओनली ए बी, ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना. तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन आर. तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 24 हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, और ये हो गया आर. तो अब इसके हिसाब से आर इज इक्वल टू क्या हो गया 12/24, कैंसिलेशन का वैल्यू होगा 1/2, तो ये क्या होगा 0.5 मीटर. ठीक है, अब अगर मान लो कि इन्होंने चार्ज की वैल्यू भी पूछी है, तो चार्ज की वैल्यू के लिए बहुत सिंपल सा, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, लाइक पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो वी का फॉर्मूला क्या 1/4πε0Q/R. ठीक है, सो कैपिटल आर और स्मॉल आर कि मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल उसकी वैल्यू 12 J/C है. तो वी का वैल्यू हमने ले लिया 12. ठीक है, अब क्या स्पेस है, तो मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूं उसको. तो ये 12 है, ये क्या है 9 × 10^4 क्या है 9 है, और ये क्यू है, और आर का वैल्यू क्या है 0.5 है. तो अब क्यू की वैल्यू को यही रहने दो. अब कौन कौन सी वैल्यूज यहां पे, ये 12 हो गया, 0.5 आके मल्टीप्लाई होगा अपॉन क्या होगा 9 × 10^9. तो 12 × 5 ये क्या होगा, अगर आप देखो 3 × 3 = 9 and 3 × 4 = 12, तो 4 × 5 क्या होगा 20, मतलब ये 2 हो जाएगा न्यूमरेटर वाला पार्ट. ठीक है, और ये अपॉन 3, ये 10^-9 ऊपर चला गया, ये होगा कैपिटल क्यू. इसको कैंसिलेशन करोगे तो 2 × 3 = 18, फिर 3 × 6 = 18 × क्या है 10^-9 = Q. तो अब अगर मान लो कि मैं इसको ना 6.6 लेता हूं, 6.65 ले या चलेगा वैसे भी है, तो ये Q का वैल्यू क्या हो गया 0.66 × 10^-9 कूलम. या इसको अगर आप रिप्लेस करते हो तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.66, ये हो गया नैनो कूलम. ठीक है, 10^-9 नैनो के लिए आता, तो जैसे 10^-9 घटाओगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, और आपको चार्ज पूछा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, या सोर्स से उस पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस पूछा है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस. ओके, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं. क्या बोला, अ चार्ज ऑफ 24 μC इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर. तो एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, इसके ऊपर हमने क्या कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 20, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू जो भी आपको देना, 24 μC, मतलब 24 × 10^-6 कूलम चार्ज हमने दिया हुआ है. और जो इसका रेडियस का वैल्यू है वो कितना है, आर का वैल्यू है, स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी है, तो रेडियस है स्फीयर का, तो कैपिटल आर ले लिया हमने 0.2 मीटर, क्योंकि हमने कन्वेंशन जैसा यूज किया उसके हिसाब से जाते हैं. फिर क्या बोला इन्होंने, फाइंड द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सर्फेस पे पोटेंशियल निकालना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल कहां पे निकालना है, वी एट द सर्फेस निकालना है. फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 1/4πε0 जो कैपिटल क्यू अपॉन क्या होगा कैपिटल आर. ये क्या हो गया 9 × 10^9, क्यू का वैल्यू कितना है 24 × 10^-6 डिवाइडेड बाय 0.2. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 से कैंसिलेशन किया तो ये 0.1 हो गया, ये क्या हो गया 12 हो गया. तो ये 0.1 अगर ऊपर, तो एक्चुअल में 10^-1 है, 10^-1, ये -1 अगर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो वो +1 इसके साथ में आएगा, तो ये 9 × 10^2 क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 है, ये क्या है 10^-6 है, ये माइनस यहां पे 1 बन के ये ऊपर आएगा, तो +1 होगा जो इसके साथ में ऐड हो गया, इसके पावर के साथ में 12 − क्या होगा 108 हो गया. ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 10^4 हो गया. तो अब अगर मैं इसको 1.08 लूंगा तो ये क्या होगा 100 यहां पे आके मल्टीप्लाई, तो 10^6 वोल्ट. अब तक स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं है, स्टोरी में ट्विस्ट इसके बाद आता. ट्विस्ट क्या है कि एट डिस्टेंस ऑफ 0.1 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब ये जो सेंटर है स्फीयर का, ठीक है, यहां से 0.1 cm डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है 0.1 cm, इस डिस्टेंस पे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर एंड एट द डिस्टेंस 0.1 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर. तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर से 0.1 cm, तो एक हिसाब से आप देखेंगे ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर है पॉइंट, जो सेकेंड वाला है वो हो गया पोटेंशियल इनसाइड. तो पोटेंशियल इनसाइड किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट द सर्फेस, और हमने सरफेस का पोटेंशियल निकाला हुआ है, दैट इज 1.08 × 10^6 वोल्ट.
कभी कभी क्या हो जाते हैं, हम बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और हम क्या करते हैं ना, हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो वी शुड नॉट डू मिस्टेक रिलेटेड टू दैट वन, ओके। हमें क्या करना है, हमें हमेशा फोकस करना है कि हम कहां पे फाइंड हो रहे हैं, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सेंटर पे हो, इनसाइड कहीं पे भी आप निकालोगे तो वो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वेरी लॉजिकल, ठीक है, सो उसको देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको सो क्वेश्चन वेरी लॉजिकल मीन्स एक्चुअली वेरी लॉजिकल, थोड़ा है आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 27 ड्रॉप्स ऑफ अ सेम साइज ऑफ चार्ज, सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, मतलब ऐसे ना छोटे 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 ऐसे ड्रॉप्स हैं जिसका नंबर टोटल कितना है, 27 नंबर्स है, ठीक है। और जो एक है ना उसका पोटेंशियल है ना 220 वोल्ट है, तो मैंने यहां पे V लिया हुआ है, ये ले लिया हमने 220 वोल्ट, ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया V, 220 वोल्ट है। अभी आगे पढ़ते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज 220 वोल्ट ईच, मतलब एक ड्रॉप पे जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, दे कोलेस टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, अभी क्या होते हैं ये ना कंबाइन होते हैं और एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो जो बिगर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल निकालना है। तो अब देखो ना यहां पे दो पोटेंशियल है, तो मैं क्या कहता हूं, ये है पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, ये है पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। तो अब मैं क्या कहता हूं, यहां पे ना थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंड करता हूं, ये स्मॉल ड्रॉप हो गया और ये क्या हो गया, ये स्मॉलर ड्रॉप एंड बिगर ड्रॉप, वैसे ले लो, ये हो गया स्मॉलर ड्रॉप का कंडीशन, ये होगा बिगर ड्रॉप का कंडीशन, ये बिगर ड्रॉप। तो अभी मेरे हिसाब से अगर मैं चार्ज ले रहा हूं ना चार्ज, तो स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज मैं लूंगा, स्मॉलर ड्रॉप का अगर मैं पोटेंशियल लेता हूं, ठीक है, और स्मॉलर ड्रॉप के लिए जो मैं रेडियस लेता हूं, तो मैं क्या लूंगा, स्मॉलर ड्रॉप के लिए चार्ज है उसको मैं स्मॉल क्यू लूंगा, जो पोटेंशियल उसको मैं वी एस ले लूंगा, जो रेडियस है उसको मैंने स्मॉल आर ले लिया। डिफरेंस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पहले लिख ले रहा हूं। तो यहां पे जो चार्ज है बिगर ड्रॉप के लिए चार्ज हम कैपिटल क्यू ले लेंगे, जो बिगर ड्रॉप है उसके लिए जो पोटेंशियल है उसको हम क्या ले लेंगे, वी बी ले लेंगे, जो हमने मेंशन किया हुआ है, और यहां पे वी एस, और जो रेडियस होगा बिगर ड्रॉप के लिए उसको हम क्या ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या है कि हाँ, अब हमें क्या करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिगर ड्रॉप पे। तो पहले ना स्मॉलर ड्रॉप के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए अभी हमारे हिसाब से, तो ये वी एस हो गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन होगा कर, ये सभी में होगा, स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यू है उसका रेडियस स्मॉल आर है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये किसके लिए है, स्मॉलर ड्रॉप के लिए, ये स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। अगर मैं यही चीज ना बिगर ड्रॉप के लिए करूं, ये 1 स्मॉलर ड्रॉप के लिए, अगर मैं बिगर ड्रॉप के लिए करता हूं तो क्राइटेरिया क्या होगा, पोटेंशियल फॉर द बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप अपॉन रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना चार्ज की वैल्यू पता है ना रेडियस की वैल्यू पता है, तो एक है ना रूल है जो हमने 11 में स्टडी किया था कि यहां पे क्या ना जो 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स है ना वो मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े ड्रॉप को फॉर्म कर रहे हैं। तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो, ये यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये की पॉइंट है, ये क्या है, जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा बिगर ड्रॉप का वो क्या होगा, वो जो वॉल्यूम स्मॉलर ड्रॉप का है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, इनटू 27, जब 27 स्मॉलर ड्रॉप्स के वॉल्यूम कंबाइन होंगे तब एक बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 है, पाई है कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम ऐसे, तो क्या हो गया 27 हो गया इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³, ठीक है, ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना, क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, क्यूब रूट ले रहे हो तो रेस्ट 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 27 का क्यूब रूट लेना है, फिर क्या आर का क्यूब रूट, ये तो यहां पे क्या होगा, ये कैंसिलेशन, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का, 3 3 9 9 3 27, और यहां पे कैंसिल होगा, क्या होगा, स्मॉल आर,
तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म में मिल गया, इसको अगर लेना है तो इसको ले लो आपके क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, अब एक और चीज है, हमें ना आर के बारे में पता चल गया कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, अब आप लिखोगे सिंस, क्या होता है कि चार्ज ना एडिटिव इन नेचर होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर एक ड्रॉप पे चार्ज, एक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो 27 ड्रॉप पे ये हो जाएगा, तो ये कैपिटल क्यू की वैल्यू भी मिल जाएगी हमको। ये हो गया एक क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत सिंपल सा टास्क है। अब कैपिटल क्यू की वैल्यू भी मिल गई, कैपिटल आर की वैल्यू भी मिल गई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल वी एस, और यहां पे वी एस का वैल्यू है वो देखेंगे बाद में। अब क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो भी आप पुट करो, किसको पुट करो, सो पुट इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रहेगा ही वहां पे। कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा, 27 टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो ये कैंसिल बाद 9 हो गया। तो अगर आप ध्यान दोगे तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू होगा अपॉन आर होगा, उसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इन कंपेयर टू द फर्स्ट वन ये है 9। तो अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये वैल्यू आपको दिख रहा है किसका पोटेंशियल है, स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, पुट इक्वेशन नंबर वन इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ, तो क्या मिलेगा, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल इज 9 टाइम्स द स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल 9 टाइम्स स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है, 220 वोल्ट है। तो अभी आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 9 × 18 = 19, तो 1980 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, अब हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आपको डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो उसका डाइपोल का हमने जो स्ट्रेंथ मेजर किया था, तो डाइपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ठीक है, वो पार्ट मैं यहां लिख लेता हूं जिससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी। सो जैसा भी इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होगा, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे आपने जो भी चार्ज लिया होगा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, तो सेंटर से यहां का डिस्टेंस एल था, यहां से यहां का डिस्टेंस भी एल था। और एक रूल होता है कि जहां पे भी आप कोई भी चीज स्टडी करते हो, उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा हम आर ही लेंगे, दैट्स अ रूल। आप यहां पे लो, आप यहां पे लो, यहां पे कहीं पे भी, जहां पे भी पॉइंट ऑफ स्टडी लोगे वो हमेशा आर डिस्टेंस पे ही होगा, कहां से, सेंटर ऑफ डाइपोल से, दैट्स अ रूल जो हमें याद रखना है इस कंडीशन में। ठीक है, और डाइपोल के लिए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है क्यू इंटू 2L, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, तो पी इज इक्वल क्यू इंटू 2L की हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब जैसे ना हमको पता है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये पता था कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 πε0 ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो फिर हमको डाइपोल के लिए चाहिए था, तो डाइपोल के लिए जब हम लेते थे तो 1/4 πε0 ये क्या हो गया था, 2π/r³, किसके लिए, ये एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है, जब हमने इसको इक्विटोरियल पॉइंट के लिए किया था, तो ये 1/4 πε0 ये क्या हो गया था, p/r³, वो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l एंड ऑल। वैसे करने के बाद अगर आपने चैप्टर किया होगा तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं किया होगा तो कोई इशू नहीं है। अब वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो हमारे पास पोटेंशियल किसके लिए है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4 πε0 q/r, ये पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल है। हमको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल में तीन कंडीशन होते हैं, एक तो होता है एक्सियल पॉइंट, दूसरा होता है इक्विटोरियल पॉइंट, और जो तीसरा होता है वो होता है एट एनी पॉइंट। तो पहले हम यहां पे लेते हैं, हमने यहां पे क्या किया, ये लिखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालना है, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन, और आप क्या कर सकते हो, एक्सियल पॉइंट पे आप कैंसिल करो तो भी चलेगा, मेंशन कर सकते हो। अब हमने क्या किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और
एक्साइटेड सेपरेशन पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज भी ले लिया, फाइन। ये जो पॉइंट है इसको आप ए ले लो, जो ये पॉइंट है इसको हमने बी ले लिया। पॉइंट ए पे चार्ज है वो माइनस क्यू है, पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। ये सेंटर पे जो पॉइंट है इसको हमने ओ ले लिया। अब डिस्टेंस ए टू ओ जो है वो एल है, जो डिस्टेंस ओ टू बी है वो भी एल है, जो टोटल सेपरेशन है माइनस टू प्लस वो टू एल है। इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ हमें क्या करना, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना पॉइंट पी पे। तो जैसा हमने बताया कि हम कभी भी किसी भी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ स्टडी को हम मेजर करेंगे सेंटर ऑफ डायपोल से, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, आर से, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हमारा जो भी डिस्टेंस होगा ना, तो अब ये पॉइंट पी का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से कितना है, तो अब एक चीज ध्यान देना है कि ये सेंटर ऑफ डायपोल है और ये पॉइंट ऑफ स्टडी है, इनके बीच का सेपरेशन आर है। उनमें से जब मैं इतना वैल्यू निकालूंगा, दैट इज आर एल आई टेक आउट, ये पूरे आर में से इफ आई टेक आउट एल, देन आई कम टू नो कि पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट पी से क्या डिस्टेंस है, तो क्या मिलेगा, आर में से हैव टेकन आउट एल, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव चार्ज से पॉइंट ऑफ स्टडी तक का डिस्टेंस निकालना है तो सेम चीज, ये वैल्यू आर है, आर में आप एल एड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा आर प्लस एल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो अभी आप लिखोगे फॉर प्लस क्यू मतलब प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए वी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, 1/4 epsilon naught का कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इनटू कौन से चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से। अब क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी, तो क्या है, आर माइनस एल है, तो हमने वो लिख दिया आर माइनस एल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। अब क्या करना है, अब हमें सेकेंड चार्ज के लिए लेना है, कौन सा चार्ज, सो फॉर माइनस क्यू के लिए क्या होगा, वी माइनस क्यू, वैल्यू क्या है, 1/4 epsilon naught इंटू ये माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये साइन लेना पड़ेगा माइनस क्यू, ये क्या हो गया आर प्लस एल, मतलब ये माइनस चार्ज पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पे, आर प्लस एल पे, बट इसको अरेंज करेंगे तो माइनस एन पहले आ जाएगा, तो माइनस 1/4 epsilon naught इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आप लिखोगे रिजल्टेंट पोटेंशियल कहां पे निकाल रहे हम, एट पॉइंट पी, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल वी हो गया, ये क्या होगा, इट्स एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट पी पे पता है हमको, नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल पॉइंट पी पे पता है, उनको एड करना है, तो ये है इक्वेशन नंबर थ्री। अब 1, 2 को पुट कर दो 3 में, सो पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। सो ये v हो गया, यहां पे क्या होगा, 1/पॉजिटिव आ गया है 1/4 epsilon naught q अपॉन r माइनस l, 1/4 epsilon naught इंटू q अपॉन r माइनस l हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहां पे तो हमें एक्चुअली फॉर्मूले में प्लस है, बट ये इसके माइनस साइन की वजह से ये माइनस यहां पे आ गया, तो 1/4 epsilon naught हो गया, ये क्या होगा, q अपॉन r प्लस l, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें हम जो कॉमन ले सकते हैं, क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, 4π epsilon naught को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r-l यहां से, और यहां पे क्या होगा, 1/r+l बच गया। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो उसका, तो ये क्यू अपॉन 4π epsilon naught हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होगा एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्या होगा आर प्लस एल, ये माइनस ब्रैकेट में ये आर माइनस एल, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आर माइनस एल, और ये क्या होगा आर प्लस एल। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, बट एग्जाम में इतना एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप कट शॉर्ट कर सकते हो, ये बस आपके समझने के लिए स्टेप्स कैसे आ रहे हैं। तो यहां पे v इज इक्वल टू क्या हो गया, ये q अपॉन 4π epsilon naught हो गया, बराबर, और ये ब्रैकेट अभी ओपन करेंगे तो क्या होगा आर प्लस एल है, ये माइनस आएगा तो क्या होगा माइनस आर हो गया, माइनस विल मल्टीप्लाई विद माइनस तो क्या होगा प्लस एल हो जाएगा अपॉन, ये a माइनस बी ए प्लस बी जैसा वर्क कर रहा है, तो ये क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहां पर आर आर कैंसिल हो गया, तो फाइनली v का फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा q अपॉन 4π epsilon naught मिला, l प्लस l मिलकर क्या होगा 2l होगा अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ना q इंटू 2l जो हमने अभी बताया था ना, हमारा मेन टास्क यही है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो स्ट्रेंथ, जैसे चार्ज का स्ट्रेंथ क्यू हो गया वहां पे, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक डायपोल का जो स्ट्रेंथ है हमें वो कैसे मिल रहा है, डायपोल मूवमेंट के टर्म में, कैपिटल पी, तो हमें डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी के टर्म में चाहिए, तो पी के टर्म में तो क्या होगा कैपिटल, तो ये क्यू इंटू टू एल को आप रिप्लेस करके क्या पुट करोगे वहां पे,
कैपिटल पी पुट करोगे, मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि दीस थिंग्स तो वी हैव डन बिफोर ऐसे टाइप की चीजें। तो क्यू इंटू ट्वेल्व हमने क्या लिखा, पी लिखा, ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो हमने डिस्कस किया इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो क्या हो गया, एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, अगर हमने एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, वो क्या होगा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये होगा इक्वेटोरियल लाइन और पॉइंट। ठीक है, अब उसके लिए डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डायग्राम में क्या डिफरेंस है वो देख लो, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन इन द सेंस ना वो जो लाइन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल। तो आपने क्या किया, यहां पे हमने जब डायग्राम ड्रॉ किया है तो वी हैव टेकन माइनस। ठीक है, सो यहां पे आ गया आपका प्लस चार्ज, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है ओ, सो ए टू ओ का डिस्टेंस इज एल एंड ओ टू बी का डिस्टेंस इज अगेन एल। अब यहां से आपने क्या किया, ये कोई पॉइंट ले लिया पॉइंट पी, यहां पे पॉइंट पी ले, कोई इशू नहीं है, ये पॉइंट पी है। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस सेंटर से आर होगा। ठीक है, तो आपको ना पॉइंट ऑफ स्टडी का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे देखो ध्यान, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर, बट जो हाइपोटेनियस है उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये वन बाई टू लिखो और इसको आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही क्या होगा कि जब आप ना पॉइंट ऑफ स्टडी से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस लेते हो तो वो भी वही होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू सुन लेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन रूट। ठीक है, बाकी कहानी तो आपको पता ही है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ले रहा हूं तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि v प्लस क्यू इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन अपॉन क्या होगा ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं फॉर माइनस क्यू, माइनस क्यू के लिए भी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू है, बट डिस्टेंस क्या होगा सेम वैल्यू आ रहा है डिस्टेंस के लिए, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर हमने वही वेरिएशन कर दिया, क्या होगा ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट का रूल क्या होता है, रिजल्टेंट इज द सम ऑफ दोज पोटेंशियल्स, बराबर उन पोटेंशियल्स को आप ऐड कर दो। सो पोटेंशियल्स कहां पे आपको निकालना है, एट पॉइंट पी पे निकालना है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो अब ये ना v प्लस क्यू क्या है, ये पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज का एट पॉइंट पी पे और ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है पॉइंट पी पे, ये v माइनस क्यू। तो हमने क्या किया, ये वैल्यूज क्या है v प्लस क्यू का वैल्यू सिर्फ यहां पे अंडर रूट मिसिंग है ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा माइनस आ गया, तो माइनस आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है q है, अब यहां पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, क्यू सेम है, ये रूट, तो ये पूरी वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो पोटेंशियल क्या हो गया इसी को हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट इज जीरो। ठीक है, अब ना एक और क्वेश्चन होता है कि इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, है ना, वो इज इट पॉसिबल एंड ऑल, इज इट पॉसिबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो पॉसिबल है कहां पे, सो ई कहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मिलता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, उसका फॉर्मूला होता है। बट जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो क्या होता है जीरो, किसके लिए,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा, नॉन जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कभी लोग डिफरेंट वे से भी आंसर कर देते हैं कि ये आंसर उसमें लिख देते जो है ना हमने पहले किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट होगा मतलब नॉन जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. बट यहां पे क्या है, यहां पे पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है. ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है. अब जो अगला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट. अब ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट क्यों करना है वो आपको इस डेरिवेशन के एंड में समझ में आ जाएगा. वैसे काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो इन कॉन्सेप्ट से बेस्ड है तो इसलिए भी करना बहुत जरूरी है. तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं. सो हमने यहां पे ले लिया है, ये है हमारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये क्या है डायग्राम, ये डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है. वैसे तो हर डायग्राम का इंपॉर्टेंस है. ये पॉइंट को हमने ए ले लिया है, इस पॉइंट को बी ले लिया है. यहां पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, यहां पे जो चार्ज है वो क्या है प्लस क्यू है. हमने सेंटर लिया है, यहां पे सेंटर पे वैल्यू क्या लिया आपने, ओ ले लिया है. ठीक है, तो जो ए से ओ का डिस्टेंस है दैट इज व्हाट एल, और ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो अगेन एल. अब आपको क्या करना है, ये लाइन पे अगर स्टडी करते तो ये एक्सेल लाइन होता, आप इस लाइन पे स्टडी करते हो इक्विटोरियल लाइन. अब आपको एनी पॉइंट पे स्टडी करना है तो मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया है पी. ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले लर्न किया है कि पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से हमेशा होगा आर. ठीक है, अब हमें लेना है पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस प्लस चार्ज से. तो ये प्लस चार्ज है, यहां से पॉइंट ऑफ स्टडी का हमने डिस्टेंस लिया, इसको हमने ले लिया है आर वन. तो बी टू पी डिस्टेंस का वैल्यू है आर वन, ओ टू पी का वैल्यू है आर. अब इस चार्ज का क्या डिस्टेंस होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस पॉइंट पी से. ठीक है, हो सकता है शायद मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए बट हम मैनेज करेंगे. ओके, तो ये पॉइंट पी पे जो ज्वाइंट है यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया आर टू हो गया. ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो इसके हिसाब से कि जो बी टू पी डिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है आर वन है, जो ओ टू पी डिस्टेंस की वैल्यू है वो आर है, जो ए टू पी डिस्टेंस की वैल्यू है वो आर टू है. क्योंकि हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना है बहुत केयरफुली. ओके, तो अब हम पोटेंशियल लेते हैं. तो पोटेंशियल किसका हो गया, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उसको इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो पोटेंशियल किसका है, पॉजिटिव चार्ज का ले रहे हैं. पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ, 1/4πε0 हो गया. चार्ज का वैल्यू क्या है, क्यू है, और डिस्टेंस क्या लिया हमने पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट ऑफ स्टडी से आर वन लिया है. तो ये आर वन, इक्वेशन नंबर वन हो गया. अब सिमिलरली आप लोगों के पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी, तो अब ये 1/4πε0 हो गया, चार्ज का वैल्यू क्यू हो गया, ये माइनस साइन जो आ रहा है माइनस साइन, मैं माइनस साइन को यहां लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि फाइनली भी आपको टेक इट ओवर हियर ओनली. और ये डिस्टेंस क्या हो गया आर टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू. अब जो हो गया रिजल्टेंट पोटेंशियल का रूल, रिजल्टेंट पोटेंशियल कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पी, वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्यू एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू एट पॉइंट पी. क्वेश्चन नंबर थ्री बा पुट कर दो. सो हम पुट कर रहे हैं, सो पुट इक्वेशन नंबर कौन सा, वन एंड टू, कहां पे पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर थ्री. क्या मिलेगा आपको, तो v की वैल्यू को आपने v रहने दिया है बट पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, 1/ यहां पे देखो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर वन. अब जब माइनस के लिए पुट करोगे तो माइनस साइन तो आएगा यहां पे क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है, जब भी आप रिजल्ट ले रहे हो तो यहां पे माइनस साइन 1/4πε0, ये क्या हो गया क्यू अपॉन आर टू. तो v का वैल्यू क्या हो गया, रिजल्टेंट पोटेंशियल 1/ आप किसको इसको कॉमन ले सकते हो, तो क्यू को हमने कॉमन ले लिया है, 4πε0 को कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 1/r1 - 1/r2, इसको आप ले लो क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
तो ये क्या है ना, ये इंक्लाइन है सर्टन एंगल पे। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब भी हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो एंगल बना है ये एंगल थीटा है। तो ये है डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है। डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल के साथ में ये जो लाइन ज्वाइनिंग है एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। तो अब हमें यह समझना है कि अगर मैं ना यहां पे R1 और R2 की वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट करना R के टर्म में, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये थीटा का वैल्यू पता होगा और हमें ये R का वैल्यू पता होगा, R1 R2 का वैल्यू हमें पता नहीं होगा। तो हम अभी थीटा आएगा नहीं आएगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हमें R का वैल्यू पुट करना है यहां पे। अब क्या करेंगे, तो एक ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने शायद लर्न किया होगा पहले कभी, नहीं किया होगा तो कोई इशू नहीं, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ऐसे ये दो सेगमेंट है, ठीक है, ये ओ है, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया है, यहां पे कोई पॉइंट बी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अगर ना ये एंगल यहां पे कोई एंगल है तो यहां पे क्या होगा, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, मतलब ये एंगल बहुत स्मॉल है। तो जब ये एंगल बहुत स्मॉल होगा ना तो आपको क्या करना, ये पॉइंट ए से जो सेकेंड सेगमेंट है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां पर 90 डिग्री, इस पॉइंट को सी ले लिया, यहां पे जो थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है यहां पे ये अप्रोक्स क्या है, जीरो है। तो इनसाइड साइड ट्रायंगल व्हाट इज द टोटल वैल्यू, मतलब जो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 हो गया प्लस क्या हो गया, वेरी क्लोज टू जीरो हो गया, प्लस ये जो एंगल है ये अननोन हो गया इक्वल टू 180। तो ये जो अननोन एंगल है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी ना, जब इसको 90 पे लेके जाओगे तो दैट विल बी अप्रोक्स टू व्हाट 90। ये जो एंगल होगा ये होगा अप्रोक्स टू 90, मे नॉट बी, मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट्स नॉट एक्जैक्टली 90, क्योंकि ये हो सकता है एंगल ना 0.1 0.2, तो ये होगा 89 पॉइंट समथिंग विच इज क्लोज टू 90, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो एक और ज्योमेट्रिकल रूल से आपको पता होगा कि अगर ऐसा हमने डायग्राम बनाया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है, इसको ए बी सी ले लिया, तो इस एंगल के अपोजिट में जो सेगमेंट होगा और इस एंगल के अपोजिट में जो सेगमेंट होगा वो इक्वल होंगे, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। तो इस रूल के हिसाब से ये 90 है ये 90 है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, जो साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, यहां पे जो साइड ए ओ होगा विल बी अप्रोक्स टू सी ओ या विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये आपको ध्यान रखना, तो ये दोनों वैल्यूज ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे एक दूसरे को, बट यहां पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल मतलब हम इक्वल ही मान के चलेंगे। तो इस केस में कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहां पे अब मैं ना रेड मार्कर यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ना आर वन और आर में अगर मैं देखता हूं तो आर वन इज स्मॉलर, तो ये डायपोल ना जैसे अभी आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डायपोल जब हम डिफाइन करते थे ना, इलेक्ट्रिक डायपोल इज द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अब अगर ये दोनों चार्ज बहुत छोटे से डिस्टेंस अगर सेपरेट हो रहे हैं, इफ दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लाइक ऐसा इतना सा डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ स्टडी है, तो ऐसे अगर आपने लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल तो बहुत ही स्मॉल होगा ना। अब यहां पर हमने डायग्राम बड़ा ड्रॉ किया है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एट अ बिगर लेवल कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, बट प्रैक्टिकली यहां पर जो एंगल सबटेन होगा, कौन सा एंगल, यहां पर जो ये पर्टिकुलर पार्ट में एंगल सबटेंड होगा ये बनेगा यहां पे, ये एंगल बहुत स्मॉल होगा। तो जब वो एंगल बहुत स्मॉल है तो आपको क्या करना है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, कहां से ड्रॉ करोगे, जो स्मॉलर सेगमेंट है तो स्मॉलर सेगमेंट से बिगर सेगमेंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, उस पॉइंट को हमने ले लिया है कैपिटल एन, ठीक है। तो अब इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अब ये जो सेगमेंट है, ये जो बी टू पी का सेगमेंट है और जो P टू N का सेगमेंट है, अभी ये दोनों सेगमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। उस पार्ट को मैं यहां पे लिख लेता हूं, आई विल राइट इट ओवर हियर, कि जो सेगमेंट है कौन सा सेगमेंट, B टू P सेगमेंट इज नाउ इक्वल टू कौन सा सेगमेंट, M टू P सेगमेंट, और उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, R1 के इक्वल होगी, ठीक है। अब हम ना उस चीज को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, तो अब ये लाइन को देखो, आप इस लाइन को देखो, तो अभी आप लिखोगे सिंस, हमने क्या लिखा, सिंस जो लाइन है कौन सा लाइन लिया, आपने ओपी लाइन लिया, जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओ एम मिलेगा प्लस ओ एम प्लस ये क्या होगा एमपी प्लस एमपी। तो ओपी का वैल्यू क्या है, ओ टू पी का डिस्टेंस इज आर,
है ना, यहाँ पे देखो ओ टू पी का डिस्टेंस इज आर, ठीक है, वो डिस्टेंस हमने आर लिया, और डायग्राम में भी देखते हो ओ टू पी का डिस्टेंस इज आर, और ओ एन, ओ एन का डिस्टेंस क्या है, ओ एन ये हमें फाइंड आउट करना है, ओ एम इज अनोन क्वांटिटी, ठीक है, प्लस एमपी का वैल्यू क्या है, हमने ना ये जो वेरी स्मॉल एंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया उसके हिसाब से ये वैल्यू हो गया आर वन, हमारा टास्क है टू फाइंड आउट आर वन ओनली, हमें आर वन ही फाइंड आउट करना है, तो आर वन का वैल्यू क्या होगा, आर वन विल बी इक्वल टू आर माइनस ओ एम, ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करते हैं ना, कुछ चीजें, ये पार्ट आई होप यू पीपल अंडरस्टूड ये वाला पार्ट, ठीक है, अब क्या होता है कि इस पार्ट में मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं, इसको थोड़ा अलग तरीके से, ये यहां पे ये कर सकते हो आप, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो अभी मैंने लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी, तो ओ एम बी ट्रायंगल में मैं किसको ट्रैक कर रहा हूं, मुझे ना ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें से ओ बी का वैल्यू मुझे पता है, तो ओ एम ना इस ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है, जो ओ बी वो हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस मुझे कवर करना और इस एंगल का क्या होगा बेस हो गया, तो मुझे ये बेस और हाइपोटेनस कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा कॉस थीटा लूंगा उस ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस होगी ओ एम, और जो हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है ओ बी, ठीक है, ओ एम को मैंने ओ एम ही रहने दिया है, बेस ये एल है, तो फाइनली ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है, आप उसको सेपरेटली मेंशन करना करो या ऐसे साइड में मेंशन कर दो, तो फाइनली मुझे पता चलेगा कि आर वन का वैल्यू क्या होगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, इसको हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा और भी डिटेल में, अब आपको आर टू को आर से रिलेट करना, बट देयर इज अ लिटिल इशू, अब जो आर टू से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा, ये जो सेंट्रल में लाइन है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, यहां पर ऐसा एक्सटेंड कर दिया, अब एक्सटेंड कर दो जहां तक भी करना है आपको, वो आपके ऊपर है, और फिर क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर, जो आप परपेंडिकुलर, जहां परपेंडिकुलर खत्म हो रहा है वहीं तक आप उसको वाइंड अप कर दो, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा पॉइंट एन, ये पॉइंट एन हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दोगे तो ये एंगल जो ये लाइन वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब बहुत जो डीपली ऑब्जर्व करने वाली बात इसमें क्या है कि अब जो ए टू पी का जो लेंथ है, ए टू पी का जो लेंथ है और जो एन टू पी का जो लेंथ है वो क्या होगा, इक्वल होगा, और ये दोनों वैल्यूज किससे इक्वल हो गए, आर टू के इक्वल हो गए, ठीक है। अब वापस से मैं लेता हूं सिंस, अब मैं कौन सा वाले वापस हो गया, सेंट्रल लाइन पे ऑब्जर्व करता हूं, सेंट्रल लाइन पे एन टू पी का डिस्टेंस लेता हूं, तो एन टू पी डिस्टेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करोगे एन टू पी वाले को, तो एन टू पी वाले को अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो एक तो डिस्टेंस होगा आपका ओपी, है ना, मतलब एक तो डिस्टेंस होगा ओपी, ओपी वाले डिस्टेंस में अगर आप ना ओ एन को ऐड कर देते हो तो आपको यह वैल्यू मिल गया, जहां पे एनपी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू फॉर एनपी, एनपी जो है किसके इक्वल हो गया, एपी के इक्वल, विच इज आर टू, तो एनपी यहां पर हो गया आर टू, ओपी क्या है, ओ टू पी का जो डिस्टेंस है ओपी आर है, और हमें क्या करना ओ एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब वापस से सेम क्राइटेरिया जो ये वाला हमने फॉलो किया था इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल में लोगे इसको, ये हो गया कौन से ट्राइंगल का पार्ट, ए ओ एन, सो इन ट्राइंगल ए ओ एन के हिसाब से यहां पे हमें कॉस थीटा ही लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा इज व्हाट, बेस, अभी देखो यहां पे ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ही हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस इज ओ एन, हाइपोटेनस इज ओ ए, बेस इज ओ एन एंड हाइपोटेनस इज ओ ए, ओ एन हमें निकालना है, ओ ए का वैल्यू एल है, तो फाइनली हमें अगर ओ एन का वैल्यू ले रहे तो क्या होगा, ओ एन विल बी इक्वल टू व्हाट, एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं, तो आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore r2 can be written as r plus क्या हो गया, l cos थीटा हो गया, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 6 ले लिया, ठीक है। अब मैं इक्वेशन नंबर इसलिए बार बार दे रहा हूं सो दैट ना आपको कंफ्यूजन नहीं हो टू लोकेट कि कौन सी वैल्यू हम कहां पुट कर रहे हैं, तो अब r1 की वैल्यू r2 की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ से और इक्वेशन सिक्स से पुट करेंगे, किसमें, फोर्थ में, सो पुट इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ में, तो फाइनली क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला आपने को, ब्रैकेट क्लोज, r1 की वैल्यू क्या है, r1 की वैल्यू हमारे पास है r माइनस,
आर माइनस एल कॉस थीटा, फिर क्या बीच में माइनस साइन है, फिर उसका वन अपन आर टू, आर टू का वैल्यू क्या है वो क्या है आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है थोड़ा जगह नहीं है तो हम ये मैनेज करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ये q हो गया अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे इसको ब्रैकेट में रखो बेहतर होगा, ठीक है। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो पॉजिटिव वाले वाले यहां पे क्या होगा r प्लस एल कॉस थीटा यहां पे आ गया माइनस r माइनस एल कॉस थीटा यहां पे आ गया, ठीक है आई होप कि दिख रहा होगा आप लोग को। ये क्या होगा a माइनस, चलो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप कर लेते तो r माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया v का वैल्यू, सो v इज इक्वल टू q को वैल्यू हमने वैसे रखा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, ओपन करोगे तो r प्लस क्या है एल कॉस थीटा माइनस, ये माइनस यहां पर तो ये r माइनस हो गया बट एल कॉस थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा काम कर रहा है तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपने जो इक्वेशन लिखा है उसमें क्या कैंसिलेशन होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है ना आर और आर की वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है वो एक्सियल पॉइंट के जैसा ही काफी लग रहा है अगर आप ध्यान दोगे तो, ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आपने लिया है ना एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या होगा टू एल कॉस थीटा हो गया और डिनोमिनेटर में क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें जो नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो हमने एक्चुअली किसके टर्म में निकाला है इलेक्ट्रिक डायपोल के टर्म में निकाला, तो जो q इंटू टू एल है ना ये वाले वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे बराबर, तो उनको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग p से रिप्लेस करेंगे। तो अब उस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं, सो भी आप क्या लिखोगे तो v का वैल्यू क्या होगा v इज इक्वल टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, हमने जो क्या किया है q इंटू टू एल को रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है कैपिटल p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से, तो ये कैपिटल ये वन अपॉन ये क्या कैपिटल p हो गया, फिर क्या बचा cos थीटा बचा अपॉन क्या हो गया अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हम हर डेरिवेशन में कर रहे हैं कि अगर r की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है ना, डाइपोल अगर वेरी स्मॉल है तो वॉट विल बी द इम्पैक्ट, सो हम वो भी कंडीशन ले लेते। तो हमने यहां पे लिखा इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल तो क्या होगा एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हमें कॉस स्क्वायर थीटा भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ये वैल्यू ना हमेशा लेस देन वन ही होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, मैक्सिमम अगर नहीं है तो। तो ये क्या हो गया v इज इक्वल टू ये मिला आपको वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मिला, ये क्या मिला p cos थीटा अपॉन क्या मिलेगा आपको r स्क्वायर, क्यों आपने l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अब दो चीजें, अब इसमें हमने इसी से हम एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों निकाल सकते हैं, ये एक्सियल हो गया एक होगा इक्विटोरियल। अब समझने वाली बात क्या है ये थीटा क्या है, थीटा क्या ना ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये एंगल है, मान लो अगर ये पॉइंट पी यहां होने की बजाय यहां होता ये जो थीटा का वैल्यू क्या होता 90, बट अगर मान लो पॉइंट पी यहां होने की बजाय यहां होता तो उस कंडीशन के लिए थीटा का वैल्यू होता 0, तो एक्सियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू होगा 0, इक्विटोरियल पॉइंट पे थीटा का वैल्यू होगा 90, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी वो होगा 0। तो जो v का वैल्यू होगा एक्सियल पॉइंट के हिसाब से मिल रहा, अगर v एक्सियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सरवाइव करेगा, p भी होगा और r स्क्वायर भी होगा, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। और यहां पे क्या आया सेकंड पार्ट में v अगर मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट पे ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है यहां पे, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लो अगर रहा तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, cos 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये तो पूरा वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल का भी एक्सप्रेशन इसी में ऑब्टेन कर लिया। ओके अब हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनके ऊपर बेस्ड, जिससे कि हमको समझ में आता है कि करना क्या है और कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। सो अब मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं कि अगर मुझे ना पोटेंशियल निकालना है कहां पे एक्सियल पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है पी अपॉन आर स्क्वायर,
और अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है तो ये क्या है वन, ये जीरो हो जाएगा। और अगर वी का वैल्यू मुझे क्या है ना एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट का क्या है वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है पी है कॉस थीटा है अपॉन क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कब कैसे क्या करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरे पार्ट्स को मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस मतलब टू मार्क्स के लिए आते हैं, थ्री मार्क्स में बहुत कमी है। अगर दो पूछा है तो थ्री मार्क्स के लिए पूछ सकता है। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अभी क्वेश्चन में रीड करता हूं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ लेंथ हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट है मतलब कैपिटल पी का वैल्यू है, कितना है 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। फिर क्या दिया है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो आपको डिस्टेंस है मतलब जैसे मान लो ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर हो गया डाइपोल का, यहां से 0.3 सेंटीमीटर ये इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, ये एक्सिल पॉइंट होगा, ये एनी पॉइंट होगा। मान लो कि इनमें से कोई एक पॉइंट के बारे में मेंशन कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपको ये वैल्यू, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, अगर इंडिविजुअली डिस्कस करें तो। तो इन्होंने आर में ले लेता हूं, जिसके लिए भी होगा वो हम देख लेंगे। कितने डिस्टेंस में, एट डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। फिर क्या दिया, सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन। आपको पोटेंशियल निकालना है जब यह 0.3 सेंटीमीटर सिचुएटेड होगा एक्सियल लाइन पे, तो मतलब आपको पोटेंशियल निकालना है एक्सियल लाइन पे। ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड इन्होंने बोला है ऑन इक्विटोरियल लाइन पे भी निकालना है, तो इक्विटोरियल लाइन पे भी पोटेंशियल निकालना है 0.3 सेंटीमीटर ओनली, 0.3 सेंटीमीटर इक्विटोरियल, 0.3 सेंटीमीटर एक्सियल। फिर क्या बोला है, ऑन लाइन मेकिंग 60 डिग्री विद द डाइपोल, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 60 डिग्री। तो अब वो क्या करना है, एनी पॉइंट वाला भी लेना है, तो वी एनी पॉइंट, ये अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, बट यहां पे समझने के हिसाब से मैं कर रहा हूं। और थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब क्या करना हम सॉल्व करेंगे, तो पहले एक्सियल वाला करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट वी एक्सियल, फॉर्मूला सिंपल है, 1/4πε0 क्या है क्यू अपॉन सॉरी पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या 1/4πε0 का वैल्यू 9×10⁻⁹ हो गया। डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या 4×10⁻⁹ हो गया। अपॉन आर का वैल्यू कितना है 0.3×0.3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3, ऐसे 0.1। तो ये क्या होगा 10⁻⁹ और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 4/0.01 ना 0.01 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो सकता है। ठीक है, जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 4×10⁻²² हो सकता है। फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400 वोल्ट हो गया। बात समझ में आई, ये इस वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया 400 वोल्ट। फाइन, अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते, वी इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो होगा, अभी थर्ड पॉइंट है, तो वी एनी पॉइंट वाला। तो एनी पॉइंट वाले के लिए क्या है 1/4πε0 है, p है cos थीटा है अपॉन r स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ना ये पूरी वैल्यूज तो हमारे पहले कैलकुलेट किया हुआ ही है, यहाँ पे 1/4πε0 p / r² बट फॉर्मुलेटी तो करना पड़ेगा। तो 9×10⁻⁹ हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया 4×10⁻⁹ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और r का वैल्यू क्या हो गया 0.3×0.3 और ये क्या cos 60। तो जो पहले वैल्यू आई थी ये पूरा कैलकुलेशन कितना हो रहा था 400 वोल्ट, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो कैंसिलेशन का कितना हो जाएगा ये 200 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये ना लोगों को कॉम्प्लिकेटेड फील होता है, बट द क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी लॉजिकल क्वेश्चन।
ये एक्चुअल में ना जो वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल वाले से भी बेस्ड है और थोड़ा सा इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सिट पॉइंट से भी बेस्ड है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहे हैं, कैसे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बोला है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट अ पॉइंट ए 0, 0, -a, मतलब एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। इनका लोकेशन पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए पे है जो 0, -a है, जो दूसरा है बी पॉइंट पे है वो है 0, 0, +a पे है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये वाई एक्सिस पे नहीं है, ये जेड एक्सिस पे है। जेड एक्सिस पे माइनस ए प्लस ए, लाइक ना माइनस टू सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर, वैसे आप इमेजिन कर लो। जेड एक्सिस पे ये दोनों चार्जेस हैं। फिर क्या दिया, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी। अब ना टेस्ट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, कहां से, पॉइंट पी से मूव कर रहे हैं, 7, 0, 0 टू क्यू पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, -3, 0, 0। आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन बोला ना व्हेन चार्ज आर मूव फ्रॉम पी टू क्यू, तो आपको वर्क डन निकालना है पी टू क्यू का, ठीक है। सो पहले अगर मैं इस बात पे फोकस करूं, इफ आई एम फोकसिंग ऑन दिस वन, तो जो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला था ना, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं, वो कोई भी चार्ज हो सकता है। यहां पर बोला है कि वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, तो हमने इसको क्यू नॉट ही ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो अब अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो हमने कहा पोटेंशियल क्यू पे लेना है, माइनस पोटेंशियल कहां पे लेना है, पी पे लेना है ना, क्यू पे फाइनल लेके जा रहे हैं और फिर पी पे लेना है, और ये क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, ये क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। अब इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, तो जो वर्क डन हो गया कहां से, पी से क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, हमें ये निकालना है ना, इन टू क्या है, क्यू नॉट है। तो अब इसका मतलब क्या, मुझे अगर ये पोटेंशियल पता होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, वर्क डन की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब इन चीजों को हम ना साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक चीज जो देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जो डिटेल्स में, इस डिटेल्स में मुझे एक बात ये समझ में आई है कि जो डिटेल्स है ना वो जेड एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो मैंने कहा इमेजिन कर, चलो ठीक है ये एक्स एक्सिस होगा, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली मैंने इमेजिन कर लिया कि ये हो गया हमारा वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या दिया है कि जेड एक्सिस का क्या मेंशन किया है, इसमें दो पॉइंट है, जेड एक्सिस वाला ये जेड एक्सिस का डिटेल, तो जेड एक्सिस पे पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए कैसा है, वो माइनस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस वाला डाउन है, ये यहां पे जो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का वैल्यू है 0, 0, -a, और फिर यहां पे प्लस वाला वैल्यू है, ये क्या होगा 0, 0, +a, ठीक है। ये एक्चुअली आप बहुत ऑब्जर्व करोगे डीपी में, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, अंडरस्टूड, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मतलब ये एल ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 2a हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं। अब अगर कोई चार्ज ना इस लाइन पे मूव करेगा तो क्या होगा, वो एक्सेल लाइन होगा, ठीक है। अब बट यहां पर क्या दिया है कि इन्होंने चार्ज को मूव किया है कहां से, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, तो ये साइड था पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव मतलब अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पे 7 होगा, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है, हमने 7, 0, 7, 0, 0 उसको क्यू तक मूव किया है, तो ये 1 है 2 है ये 3 है, मतलब यहां पर ये पॉइंट क्यू है, इस क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या है, -3, 0, 0। आप उल्टा भी ले सकते हैं, उसको जेड एक्सिस ले सकते हैं, उसको एच एक्सिस ले सकते हैं, तो ऐसा होता था ये जेड एक्सिस ये एच एक्सिस, तो यहां पे क्या होता है, ये हमारा पॉइंट ए होता, ये बी होता, और वैसे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वैल्यू है ये पी होता और ये क्यू होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बट इसमें समझना अभी क्या है हमें कि अब जो देखने वाली बात है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, तो अब लेना है आपको पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे क्या है वो देखना है। तो जो पोटेंशियल पॉइंट पी पे होगा किसकी वजह से, इन चार्जेस पे, तो ये क्या है डाइपोल है, तो ये डाइपोल के कौन से पोजिशन पे, इक्विटोरियल पॉइंट पे है,
तो पोटेंशियल जो पी पे होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल एट द इक्विटोरियल पॉइंट इज जीरो. अब मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल में से क्यू पॉइंट पे, तो क्यू भी तो इक्विटोरियल पे ही है, तो पोटेंशियल एट क्यू इज ऑल्सो वॉट जीरो. तो आप ऐसा मेंशन करते हो ना, आप मेंशन करोगे पोटेंशियल एट इक्विटोरियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, इज जीरो. बराबर. तो अब जो इक्वेशन वन है वो क्या होगा, अब जगह मैं यहां पे एक्चुअली मुझे उस साइड लिखना था, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या होगा, ये डब्ल्यू पी क्यू हो गया. सो पोटेंशियल जो वी क्यू पे वो जीरो हो गया, जो वी पी पे वो भी जीरो हो गया, इन टू क्यू नॉट. तो फाइनली वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा. बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. ऐसे काफी बार क्वेश्चन आते हैं जहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए होते हैं, लोग ना कोऑर्डिनेट सिस्टम देख के डर जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछे, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन नॉट ओनली फॉर द पोटेंशियल, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी पूछा हुआ है. बट आपको ये पैटर्न समझना है कि जब भी कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं तो कौन से जगह पे मेंशन किया. अगर यहां पे डिटेल दिया है तो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन एक्स एक्सिस, यहां का डिटेल अगर दिया है तो दे आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस, यहां पे डिटेल दिया है तो दे आर टॉकिंग अबाउट जेड एक्सिस. अब अकॉर्डिंगली जो भी एक्सिस बनानी है आपको कंस्ट्रक्ट कर लो. ठीक है, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट आई होप कि यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि जैसे इसमें क्या होगा, हम चार्ज को मूव कर रहे हैं कहां से, पी से क्यू तक मूव कर रहे हैं, तो ये वर्क डन होगा पी टू क्यू. जो नॉर्मल टास्क है चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन दिस टेस्ट चार्ज. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ले रहे हैं हम, सो इनिशियल है या फाइनल है, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव फ्रॉम पी टू क्यू अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, या टेस्ट चार्ज. तो अब डब्ल्यू पी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन टू क्यू नॉट. तो Q का पोटेंशियल हमने निकाला, P का पोटेंशियल निकाला, बट दैट इज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जीरो इक्विटोरियल पॉइंट की वजह से. तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. ओके, थैंक्स अ लॉट. सो आप नोटिस कर सकते हो कि जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था अब तक के जो कॉन्सेप्ट्स है ये थोड़े बहुत लिंक्ड है आपके प्रीवियस चैप्टर से, लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है. लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल का जैसे हमने किया था एक्सएल के लिए, इक्विटोरियल के लिए, एनी पॉइंट के लिए हमने डेरिवेशन नहीं किया था, बट ये उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.